हेलो एंड अ वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई प्लेटफॉर्म लर्निंग सेंटर फॉर ऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्ट्रैक्ट उसका पूरा ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं ऑल्सो देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल क्लेट एक्सपीरियंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो इस वीडियो में हम सारा एक ओवरव्यू कवर करने वाले लेट ओरिएंटेड होकर कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट का क्योंकि जो आपका क्लेट एग्जाम है वो आपका चेक करता है कि आपको सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज है या नहीं प्लस आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं लीगल रीजनिंग में ओके सो लास्ट में हम कुछ इलिस्ट्रेशंस और लीगल रीजनिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स एंड सारी चीज़ें देखने वाले हैं फैक्ट्स वगैरह होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू आर न्यू प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन ऑल्सो द बेल आइकन सो दैट वेन ओ आई अपलोड अ न्यू वीडियो यू गेट द नोटिफिकेशन सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन सी इन्हें इंट्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स आपके सेक्शंस हैं डिफरेंट डिफरेंट ठीक है चाहे वो टेन हो चाहे वो टू हो उनके अंदर क्या क्या है डेफिनेशन क्या क्या आती हैं उसका पूरा ओवरव्यू रहेगा सो लेट स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन टू एच ओके एंड सेक्शन टू एच इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कहता है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय लॉ अ कॉन्ट्रैक्ट ओके यानी कि वह एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल है लॉ के द्वारा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है याद रखिएगा ऑल एग्रीमेंट्स ओके ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ ठीक है यानी कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो हैं आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ यानी कि सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं इसको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझेंगे हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्रीमेंट है एक रेडियो सेट को बेचने का ठीक है अगर उस पर सारे एसेंशियल्स जो कि मैंशन है सेक्शन टेन के अंदर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर वो सारे फुलफिल होते हैं तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है एक एग्रीमेंट ऑफ सेलिंग अ रेडियो सेट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है वहीं अगर एक एग्रीमेंट होता है कि साथ में मूवी देखने जाने का तो वो कि क्योंकि इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के अंदर इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा ठीक है हम समझ गए कि कॉन्ट्रैक्ट और कि सेक्शन टू एच में डिफाइंड है जो कि कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ठीक लेकिन अब बात आती है कि एक डाउट उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करने के लिए हमने एग्रीमेंट को बेस बनाया बट वॉट इज एग्रीमेंट एक्चुअली तो अब हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है सेक्शन टू ई सेक्शन टू ई डिफाइन करता है एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ़ प्रोमिसज फॉर्मिंग द कंस्ट्रेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट ओके प्रत्येक प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसज जो कि एक दूसरे के लिए कंस्ट्रेशन फॉर्म करता है उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं ठीक है एक एग्रीमेंट के अंदर यहाँ पे एक प्रॉमिस होता है दोनों साइड से फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्रॉमिस करता है कि वो डिलीवर करेगा उसकी वॉच को बी के लिए और बदले में बी उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसे दो हज़ार रुपये देगा ए के लिए ठीक है देर इज़ सेट टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी तो यहाँ पे ए और बी के मध्य में एक एग्रीमेंट हुआ है क्योंकि ए क्या प्रॉमिस किया है वॉच देने के लिए एंड बी प्रॉमिस किया है सी ए इज़ गिविंग समथिंग उसका प्रॉमिस हो गया वॉच देने का बीस इन रिटर्न बीस पेइंग हिम टू थाउजेंड रुपीज़ ओके ये हटा दीजिएगा यहाँ से ठीक है टू थाउजेंड रुपीज़ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही पार्टीज़ के बीच पे एक प्रॉमिस सेट आ, हुआ है तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है उसके बाद बात करते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता ठीक है तो एग्रीमेंट नहीं कहलाता अब बात करते हैं कि आपका कि क्या प्रॉमिस क्या होता है सी मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा ठीक तो मैंने एग्रीमेंट के थ्रू उसको डिफाइन किया जब मैंने एग्रीमेंट को पढ़ा तो मैंने उसको प्रॉमिस के थ्रू डिफाइन किया अब बात आती है कि प्रॉमिस क्या है तो अगर मुझे ऐसे समझना है कि प्रॉमिस क्या है सी प्रॉमिस जो है आपका सेक्शन टू बी के अंदर डिफाइन कर रखा है ठीक है वेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड जब एक पर्सन ठीक है एक पर्सन है जिसके लिए प्रपोजल किया गया है सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू उसके लिए अपनी असेंट देता है अपनी मंजूरी देता है द प्रपोजल इज़ सेट टू बी एक्सेप्टेड तो हम कहते हैं कि वो प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया अ प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस और जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब जाके वो एक प्रोमिस कहलाता है यानी कि एक आपका मैं इसको अगर आपको थोड़ा इजीली समझाऊं ए है एंड बी है ए ऑफर करता है बी को कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं जो कि रेड कलर की है जो भी उसका मॉडल नंबर हो सारी डिटेल्स ठीक है मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूँ दो लाख रुपये में बी अपनी मंजूरी देते हैं कि ठीक है ए मैं आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूँ दो लाख रुपए में जो कि रेड कलर की है जो ए ने प्रपोजल दिया सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे बी ने उनको एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे जो प्रपोजल था प्लस बी की तरफ से जो एक्सेप्टेंस था वो आपका क्या करता है प्रॉमिस फॉर्म करता है ओके सो so, अब इसको हम समझ सकते हैं कि अगर मैं इसके जैसे हम मैथ्स में इक्वेशंस यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन के थ्रू अगर समझूँ तो पी प्लस ए इक्वल्स टू पी आर यहाँ पर पी डिनोट करता है आपका प्रपोजल ए डिनोट करता है आपका एक्सेप्टेंस एंड पी आर जो मैंने लिखा हुआ है वो प्रोमिस के लिए है होप इट इज ईज़ी टू अंडरस्टैंड नाउ अब उसके बाद हम बात करते हैं जो सेक्शन टेन है उसके बारे में क्योंकि अभी तक हमने ये चीज़ें देखी कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है मतलब सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं और उनके नहीं होने का जो रीज़न आता है वो आता है आपका कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो कहाँ दे रखे हैं कैसे पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए तो उनको जानने के लिए लेट्स मूव अहेड ठीक है सेक्शन टेन डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए अब अगर मैं उन एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो नंबर वन जो आपका आता है वो आपका आता है एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़ ठीक है कम से कम दो पार्टीज़ होनी चाहिए किसी भी एग्रीमेंट में ठीक है दो पार्टीज़ का इंक्लूड होना ज़रूरी है क्योंकि वैसे भी ये नॉर्मल है कि एक बंदा क्या ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा और किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिनिमम दो लोगों का होना ज़रूरी है उसके बाद आपका आता है क्योंकि और इसको एक और चीज़ आप समझ सकते हैं कि जब एग्रीमेंट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक प्रपोजल करने के लिए होता है ठीक है प्रपोजल बोलो आप ऑफ़र बोलो ठीक है एक ऑफ़र देने वाला होगा जिसको कि हम ऑफरर कहते हैं एक ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाला होता है जिसको हम ऑफरी कहते हैं यानी कि प्रपोजल देने वाले ठीक है और प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाली पार्टी दो पार्टीज़ का होना एक मतलब बहुत ही ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी एक्सेप्टेंस के लिए किसी भी प्रोमिस का फॉर्म होने के लिए उसके बाद आपको पता है कि जब प्रोमिस हो जाता है तब आपका वो जो भी प्रपोजल हुआ एक्सेप्ट हुआ फिर प्रॉमिस हुआ तो इस तरह से हम प्रॉमिस जो है वो डिफाइन किया हुआ है सेक्शन टू बी जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था और वही चीज़ें आगे बढ़ के अब एक स्टेप आगे बढ़ती हैं ठीक है जो प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ़ प्रॉमिस जब वो फॉर्म करते हैं कंस्टिट्यूशन एक दूसरे के लिए तब वो आपका एग्रीमेंट फॉर्म करते हैं जो कि सेक्शन टू ई में डिफ़ाइन है जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होता है लॉ के अंदर तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है जो कि सेक्शन टू एच में डिफाइन है ओके तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं अब बात करते हैं एसेंशियल्स की तो एसेंशियल्स में पहला पॉइंट हमने देखा कि, कि किसी भी एग्रीमेंट को होने के लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है सेकेंड पॉइंट आपका आता है एग्रीमेंट शुड बी बिटवीन द पार्टीज हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो पार्टीज है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका थर्ड आता है कि देर शुड बी अ लॉफुल कंस्टिट्यूशन जो पार्टीज़ हैं उनके बीच का जो कंस्टिट्यूशन है वो लॉफुल होना चाहिए वो गलत नहीं होना चाहिए एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस भी ऑब्जेक्ट को ले कर उनके बीच में जो एग्रीमेंट हो रहा है जो एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए क्योंकि तभी कोई भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप इन्फोर्स करा सकते हैं लॉ के अंदर नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट वो है देयर शुड बी फ्री कंसेंट ठीक है जो पार्टीज़ हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट जिनके बीच में हो रहा है उनके बीच की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए सी इसके जो हम अभी तक जितने भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं उन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आगे की वीडियोस में ये जो वीडियो है वो ओवरव्यू वीडियो है तो फ्री कंसेंट क्या होती है क्या कहाँ डिफाइन की हुई है कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन सी होती हैं लॉफुल कंसट्रेशन क्या है लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है ये एक एक टर्म मायने रखता है क्योंकि लॉ जो है वो आपका एक कॉमा एक फुल स्टॉप से सारे मीनिंग चेंज करता है तो सारे टर्म्स को हम अच्छे से डीपली समझने वाले हैं लेकिन आगे की वीडियोस में इस वीडियो में मेरा जो पर्पस है वो ये है कि जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो क्लेट का जो भी एक्सप्रियस हैं उनके लिए रखना या फिर जो भी बिगनर्स हैं जो जिनका भी स्टार्टिंग है तो एक सब्जेक्ट का ओवरव्यू जिनको चाहिए उनके लिए ये वीडियो को लेके आना ताकि वो सब्जेक्ट को जान सके कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उनको थोड़ा सा एक स्टार्टिंग में बूस्टअप हो जाए कि येस वी कैन डू इट ओके सो सो फार वी हैव यू नो डिस्कस फोर पॉइंट्स आई एम रिपीटिंग दोज पॉइंट्स अगेन फर्स्ट जो पार्टीज हैं कम से कम दो पार्टीज होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेकेंड जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए थर्ड जो आपका कंस्ट्रेशन है वो लॉफुल होना चाहिए जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए फोर्थ जो पार्टीज के बीच में जो कंसेंट है ठीक है जो मंजूरी है उनकी वो फ्री होनी चाहिए वो किसी दबाव में आके नहीं दी जानी चाहिए उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जो कि एक्सप्रेसली कोर्ट की तरफ से आप वैसे भी वॉइड डिक्लेयर किया हुआ हो तो अगर आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऑफकोर्स वो आपका इन्फोर्सिबल नहीं होगा अब बात करते हैं कि प्रपोजल या ऑफ़र क्या होता है ओके okay. सो so, प्रपोजल और ऑफ़र मैं आपको पहले थोड़ा सा आइडिया दे चुकी हूँ तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड सेक्शन टू ए में इसकी डेफिनेशन दे रखी है और जो डेफिनेशन इसकी दे रखी है वो कुछ इस प्रकार है जब एक पर्सन अपनी सिग्नीफाई uh, करता है दूसरे के लिए उसकी विलिंगनेस कि वो मतलब टू डू और टू यू नो एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विदाउट यू टूपिंग दसेंट ऑफ दैट पर्सन टू सच एक्ट ऑर एब हीट टू मेक अ प्रपोजल अगर मैं ये इसको आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाती हूँ फॉर एग्जाम्पल ये ए है ये बी है नाउ दिस पर्सन ठीक है दिस पर्सन सिग्निफाइज ज़ विलिंगनेस ये पर्सन सिग्निफिका करते हैं इनको अपनी विलिंगनेस कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ दो लाख रुपए में रेड कलर की है ठीक है आई एम यूजिंग द सेम एग्जाम्पल सो दैट इट गेट्स मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स ठीक है तो ये कहते हैं जो ए है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ जो कि रेड कलर की है फोर रुपीज़ टू uh, लेख और सेम चीज़ों के लिए भी जो है अपनी मंजूरी देते हैं ये जो जब भी एक पर्सन किसी को अपनी विलिंगनेस बताता है कि वो क्या चाहते हैं कि ऐसा हो या ऐसा ना हो ठीक है और इस जो अपनी उनका जो पताने का पर्पस रहता है वो ये रहता है कि सामने वाला उस चीज़ के लिए उसी तरह से मंजूरी दे कि ऐसा मतलब वो करेंगे या जो वो कह रहे हैं वो सबसे नहीं करेंगे तब जाके एक जो आपका प्रपोजल है वो फॉर्म होता है अब ये चीज़ किस में दे रखी है आपका टू सेक्शन टू ए में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है अब याद रखिएगा जो प्रपोजल है उसको हम ऑफर भी कहते हैं ठीक है तो जो प्रपोजल है वो अगर ऑफर होता है तो प्रपोजल देने वाली पार्टी को हम ऑफरर कहेंगे ठीक है और जो प्रपोजल जो एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है या फिर जो उसको ज़रूरी नहीं है हर केस में एक्सेप्ट हो कई बार मना भी कर देते हैं तो जो भी नेक्स्ट पार्टी है वो आपकी होती है ऑफरी ओके नाउ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आपका डिफाइन किया हुआ है सेक्शन टू बी के अंदर जो कि कहता है जब एक पर्सन ओके वेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू अपनी अगर वो उस चीज़ के लिए मंजूरी दे देता है सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड तब हम ऐसा कहते हैं कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है अ अ प्रपोज़ल एक्सेप्टेड बिकम्स और आपको ये चीज़ आप पहले ही बताया कि जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रोमिस बनता है रिमेंबर पी प्लस ए एक्वल्स टू पी आर ओ यानी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रोमिस नाउ एसेंशियल्स क्या क्या है एक वैलिड एक्सेप्टेंस के यानी कि अगर कोई भी एक्सेप्टेंस है तो वो वैलिड कब होता है उसके एसेंशियल पॉइंट्स क्या क्या हैं जो कि उसमें होना जरूरी है अनिवार्य है फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाई दी ऑफर ऑफरी टू द ऑफर ठीक है जो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ए एंड बी का तो अगर बी उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि वो उसकी कार ख़रीदने के लिए रेडी है सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे तो वो जो मैसेज है वो उसको कन्वे करना होगा ऑफरी को ऑफरर के लिए सेकंड एक्सेप्टेंस शुड बी एप्सिल्यूट एंड अनक्वालिफाइड वो एब्सोल्यूट होना चाहिए विदाउट एनी चेंजेस ठीक है अगर आप उसमें बिल्कुल भी टी एन सी अपना या एस्ट्रिक्ट मार्क लगा के उसको देते हैं तो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है ऑफ़र उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपका यूजुअल मैनर है अगर मैंने कोई ऑफ़र किया सामने वाली पार्टी को तो नॉर्मल जो भी यूजुअल मैनर है वो उसमें मुझे अपना एक्सेप्टेंस देंगे कि मैंने अगर बोल के दिया या जैसे भी दिया तो वो नॉर्मल अपना मेरे पास आके अपनी बात बता सकते हैं मैसेज करके बता सकते हैं जैसे भी अनटिल अनलेस जब मैं ऑफ़र कर रही थी मैंने अगर उसमें कोई भी प्रिस्क्राइब कर दिया कि मुझे आप अपना आंसर या अपना एक्सेप्टेंस टेक्स अपना मुझे आप, मेल के थ्रू ही दें कॉल के थ्रू दें या फैक्स के थ्रू दें अगर मैंने उसमें प्रिस्क्राइब कर दिया है तो फिर एक्सेप्टेंस जो है वो उसी फॉर्म में आना चाहिए ठीक है तभी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो आपका आता है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वेल द ऑफर इज स्टिल सब्सिस्टेंट कई बार क्या होता है कि ऑफ़र किया ठीक और उसका एक टाइम पीरियड रहता है अगर वो खत्म हो जाता है उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस आता है तो वो नहीं माना जाएगा नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रेशन कंस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड है सेक्शन टू डी के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ठीक है जो कि कहता है आपका वेर आर द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन ठीक है जब आपका प्रोमिसर की डिज़ायर पे उसकी मर्जी पे प्रोमिसी ने या फिर किसी और पर्सन ने कोई भी चीज़ की ठीक है हैज़ डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग और प्रामिसज टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ठीक है सच एक्ट और एब्सटेंस और फ्रामिस कॉल कंस्ट्रेशन फॉर दी प्रामिस ठीक तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या फॉर्म करती हैं कंस्ट्रेशन फॉर्म करती हैं अगर मेरे कहने पे आप कोई भी पर्टिकुलर चीज मैं कहती हूँ कि अगर आप मैं आपको ये चीज़ दूंगी अगर बदले में आप मुझे ये चीज़ दें तो ये चीज़ें जब होती हैं ठीक है थीके? तो उस ये जो मैंने कहा कि बदले में आप मुझे ये चीज़ देंगे सी यहाँ पे ये क्लियर नहीं मैंने कुछ बोला है ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगी क्योंकि हमेशा ये जो है वो एब्सल्यूट होती है हमेशा क्वालिफाइड होती है ठीक तो इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है एक बहुत ही चीज़ों को कि कुछ भी या फिर बहुत ही अनरियलिस्टिक जब चीज़ें रखी जाती हैं तो वो कंस्ट्रेशन फॉर्म नहीं करती हैं एक सर्टिन अमाउंट होता है कि मैंने बोला कि मैं आपको अपनी पर्टिकुलर चीज़ है वो दूंगी और बदले में आप मुझे ट्वेंटी थाउजेंड देंगे तो ये ट्वेंटी थाउजेंड जो है वो आपका कंस्ट्रेशन होगा अब बात करते हैं आपकी कि जो डेफिनेशन है ठीक है उसमें कुछ एसेंशियल पॉइंट्स आते हैं कंस्ट्रेशन के जैसे कि मैं आपको अभी समझा रही थी रजिस्ट्रेशन के थ्रू फर्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रेशन जो है वो टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर ठीक है वो प्रोमिसर की डिजायर पर दी जाती है सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रेशन टू बी गिवन बाई दी प्रोमेसी और एनी अदर पर्सन ठीक है जो कंस्ट्रेशन है वो दी जाएगी प्रोमिसी के द्वारा या फिर किसी और अन्य पर्सन के द्वारा थर्ड पॉइंट है कंस्ट्रेशन में बी पास प्रजेंट और फ्यूचर in so far the de as definition says that the promise has done or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something so this is what we read in definition also so jo, aapka hai, it may be past present or future it doesn't matter but construction should be there to make a, an agreement or a contract okay next point is there should be some act

सेकेंड जो साउंड माइंड होना चाहिए एंड थर्ड नॉट डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट जो लॉ के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ के द्वारा ठीक है पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो भी जिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए अब मैं अगर इसमें तीन पॉइंट्स देखूं जो कि हाईलाइट हो रहे हैं सबसे पहला है हु हैज़ नॉट बीन डिस क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ सेकेंड इज अनसाउंड माइंड एंड थर्ड और जिसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि माइनर नहीं होना चाहिए मेजर एज होनी चाहिए अब बात करते हैं हम कि फ्री कंसेंट क्या होता है फ्री कंसेंट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली क्लेट वगैरह में इन सारे ही टॉपिक्स के ऊपर आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एजेंशियल जो हैं उनके ऊपर आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आपने कितना दिमाग से उन चीज़ों को याद रखा है और अप्लाई करना आपको सीखा है अब बात करते हैं फ्री कंसेंट की जो वन ऑफ द मेन एसेंशियल्स है जो कि सेक्शन टेन के अंदर डिफाइंड है तो वो आपका कहता है कि फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है और अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोटीन कंसेंट जो है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए ठीक है और फ्री कंसेंट कब कहलाती है जबकि वो क्वेश्चन जो कि सेक्शन फिफ्टीन के अंदर डिफाइंड है अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन सिक्सटीन के अंदर डिफाइंड है फ्रॉड सेक्शन सेवनटीन के अंदर डिफाइंड है मिसरिप्रजेंटेशन सेक्शन एटीन के अंदर डिफाइंड है मिस्टेस सब्जेक्ट टू द प्रोविज ऑफ सेक्शन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू तो ये सारी चीज़ों के बिना यानी कि क्वेश्चन के अंदर ना हो ठीक है अंडो इन्फ्लुएंस के अंदर ना हो फ्रॉड के अंदर ना हो मिसरिप्रजेंटेशन के अंदर ना हो और मिस्टेक के अंदर ना हो मिस्टेक जो है वो मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट दो तरह से होता है ओके जब इनमें से किसी भी तरह से ना हो आपकी कंसेंट तब वो आपकी फ्री कंसेंट कहलाती है अब बात करती हैं आपकी और हाँ इनमें जो ये पाँच पॉइंट्स हैं इनमें कई बार अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं अगर मैंने कोच के अंदर किया है और मैंने मिस्टेक के अंदर किया है तो एक जगह एक पॉइंट पे आके आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड वाग, वॉइडेबल रहता है एक जगह पे वॉइड होता है तो ये सारी चीज़ें भी हम आने वाली वीडियोस में बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं सो स्टेट यूनिट अगे नेक्स्ट इज लीगलिटी ठीक है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लीगलिटी की हम कैसे चेक करते हैं कि वो लीगल है या नहीं है उसको चेक करने के लिए वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट है ये आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है और जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए और हर एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन अनलॉफुल होता है वो वॉइड होता है ठीक है वॉइड यानी कि शून्य शुरू से ही उसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो शून्य होता है लॉ की नज़रों में सेक्शन ट्वेंटी थ्री मैंशन करता है वो सरकमस्टेंसेज जहाँ पे कंस्टीट्यूशन और ऑब्जेक्ट जो एग्रीमेंट के हैं वो लॉफुल नहीं होने चाहिए और वो सारी चीज़ें उनके अंदर बताता है अब सी कौन से ऑब्जेक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल हैं और कौन से नहीं हैं हम इसकी बात करने वाले हैं मैं आपको कुछ सर्टिन पॉइंट्स बताने वाली हूँ जैसे कि अगर कोई भी कंस्टिट्यूशन या ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ है ठीक है तो वो लॉफुल नहीं होगा या अगर वो ऐसे नेचर का है कि इफ फॉर्मिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ तो वो लॉफुल नहीं है अगर वो फ्रोडिल नेचर में है तो वो लॉफुल नहीं है इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर किसी और पर्सन को या किसी की प्रॉपर्टी को अगर वो उस पर इंजरी एम्प्लाय करता है तो वो भी आपका गलत है और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कि अगर किसी भी पब्लिक पॉलिसी की है या फिर वो अगर इमोरल भी है तो भी कोर्ट उसको अनलॉफुल रिगार्ड uh, करता है ये सारी पॉइंट्स की बात हो गई अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन आपके साथ डिस्कस करूँगी ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज टेन थाउजेंड रुपी ओके हीस बी प्रमिसेज to pay the sum of ten thousand rupees is the consideration for A's promise to sell the house, and A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay ten thousand rupees. This is a lawful consideration. ठीक हिंदी वालों के लिए देखिए अगर A agree करता है अपना घर बेचने के लिए B को दस हजार रुपए में तो यहाँ पे और B agree करता है कि वो दस हजार रुपए देगा उसका घर ख़रीदने के लिए तो यहाँ पे जो एक जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो अपना हाउस देगा वो उसके सामने वाली पार्टी के लिए कंस्ट्रेशन है और उसके लिए दस हजार रुपये है तो यहाँ पे ये यह क्या है एक लॉफुल कंस्ट्रेशन है ओके सो आई होप यू गॉट कि एक जो आपका लॉफुल कंस्ट्रेशन है वो क्या होता है ठीक है अब बात करती हूँ और एक और सही ले लेते हैं अनलॉफुल समझने के लिए अगर मैं किसी को दस हज़ार रुपये देती हूँ कि कि टेन थाउजेंड रुपीज़ एंड आई वॉन्ट अ गन ठीक है इलीगल वीपन तो अब क्या है कि सामने वाली पार्टी एग्री करती है ओके आप मुझे दस हज़ार रुपये दीजिएगा और मैं आपको गन प्रोवाइड करा दूँगा तो यहाँ पे क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ठीक है कॉन्ट्रैक्ट का वो अनलॉफुल है ये इलीगल है तो वो अनलॉफुल है ठीक है तो ये जो है कंस्ट्रेशन uh, जो होगी वो भी आपकी अनलॉफुल होगी और ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी गलत है अब बात करते हैं कि लीगल प्रिंसिपल्स की फैक्चुअल सिचुएशंस की और किस तरह से क्वेश्चंस क्लेट में आते हैं जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लास्ट में आपको बात करूंगी इसके बारे में सी क्लेट में क्वेश्चंस इस प्रकार आते हैं आपके कि आपका एक लीगल प्रिंसिपल उन्होंने दे रखा होता है अब उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको बिना दिमाग लगाए अप्लाई करना आना चाहिए जो भी आपका फैक्चुअल सिचुएशन दे रखा है उस पर मैंने बिना दिमाग लगाए इसीलिए बोला है कि कई बार वो जो सही चीज़ है उसको ट्विस्ट करके देते हैं और वहाँ पे आपका जो लीगल प्रिंसिपल है उसमें डालते हैं लीगल प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो उन्होंने लिख दिया वो सही है ठीक है वो चीज़ सही है और फैक्चुअल सिचुएशन में उसी को अप्लाई करना है एक्चुअल में क्या सही है डिजाइन मेटर क्वेश्चन का जो फंडा uh, है वो ये है कि लीगल प्रिंसिपल जो दे रखा होगा फॉर एग्जांपल, एन एग्रीमेंट मेड विद द इंटेंशन ऑफ एंट्रिंग इनटू अ लीगल रिलेशनशिप गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्ट अब एक फैक्चुअल सिचुएशन इसके अंदर दे रखा होगा उसके बाद इशू दे रखा होगा और फिर उसका डिशी आपका डिसीजन दे रखा होगा और आपको डिसीजन में जो भी आपके वन टू थ्री फोर जो भी आपके ऑप्शन होंगे आपको करेक्ट में से चूज करना होगा जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस uh, करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी कमांड बनती है थैंक यू फॉर लर्निंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग एंड ऑल्सो हिट द सब्सक्राइब बटन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू